ये आपका मेन मंदिर है, मेन टेम्पल। अच्छा, प्लेस का नेम मूलगंध कुटी बिहार। लंका के उनका नेम अनागारी धर्मपाल, उन्होंने मंदिर को बनवाए हैं। ये 1931 प्लेस का नेम है सारनाथ। सार मीन्स उपदेश और नाथ मीन्स गॉड। ये है आपका ओरिजिनल बौद्ध स्तूप। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी में हुआ है। लुम्बिनी का तीन नाम, फर्स्ट है कपिलावस्तु, सेकेंड लुम्बिनी और थर्ड नेपाल। ये सब पहले इंडिया में था, वो नेपाल में है। तो जन्म स्थान लुम्बिनी और ज्ञान मिला हुआ है बौद्ध गया बिहार। और बौद्ध गया बिहार से भगवान बुद्ध सारनाथ में आए थे। उसमें ये स्तूप नहीं, मंदिर नहीं, ये सब जंगल था। इसके नीचे में बैठकर बुद्ध ने अपने पांच शिष्य को पहला उपदेश यहाँ पर दिए हैं और यहीं से बुद्धिज्म स्टार्टिंग है। इसके अंदर में कोई दरवाजा नहीं, कोई गेट नहीं, कोई डोर नहीं, पूरा सॉलिड है। केवल बुद्धिस्ट लोग शाम को मोमबत्ती जलाते हैं और जाप माला लेके बाहर से राउंड करते रहते हैं। उन्हीं का नेम मूलगंध कुटी बिहार, जिसके नाम से जगह का नाम मूलगंध कुटी बिहार। 103 फुट हाइट है और 93 उनकी चौड़ाई है। और सेम पार्ट बैक साइड। और इसके पार्क एंट्री जो इंडिया के लोग हैं उनके लिए एक आदमी का 15 रुपये है, फॉरनर के लिए है 200 रुपये। ये पीपल का पेड़ देख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं ओरिजिनल बौद्ध ट्री। हाँ, जो बौद्ध गया बिहार में, जिस पेड़ के नीचे उनको ज्ञान मिला हुआ है। अंदर में बुद्ध की जो मेन मूर्ति है ना, पत्थर की गोल्ड पॉलिश। मंदिर के अंदर में देखेंगे दीवार पे पेंटिंग, बुद्ध का लाइफ, उनका जन्म से लेकर कर्म तक जापान के लोग पेंटिंग द्वारा बनाए गए। ये आपका जापानीज मंदिर है, जापान के लोग बनवाए हैं 1992 में। अंदर में जितनी मूर्ति है सब चंदन की है।
और भगवान बुद्ध के नीचे छोटा मूर्ति है चाइना का लापिंग बुद्धा। ये ढोल लकड़ी पूजा के समय बजाते हैं ढोल। ये स्लीपिंग बुद्धा जिस मुद्रा में भगवान बुद्ध का ध्यान हुआ है, महानिर्माण गोरखपुर कुशीनगर, सेम कॉपी। और यहाँ पे इसके पीछे जापान का फैमिली लोग रहते हैं। और यहाँ पे शाम को पूजा होता है 5 बजे।